हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष कक्षा 7 गणित की एक शिक्षण योजना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका प्रकरण है व्यंजकों का गुणनफल व सरल समीकरण, एक्सरसाइज 8A व 8B। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 7 विषय गणित, समय होगा 40 मिनट। पहला हेडिंग लर्निंग आउटकम, छात्र छात्राएं एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा करना जानते हैं। प्रकरण व्यंजकों का गुणनफल, एक्सरसाइज 8A व 8B। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, ब्लैक बोर्ड, दीक्षा ऐप इत्यादि। नंबर 4 पर हेडिंग आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएँ। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, समय और आकलन के तरीके। पहला स्टेप शिक्षण की शुरुआत में, इसका समय होगा 5 मिनट। आकलन का तरीका बातचीत, हम 2x, x प्लस 5, y माइनस 3 इत्यादि व्यंजकों से परिचित हैं। आज हम एक पदीय व्यंजक में संख्या का गुणा तथा एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा करना सीखेंगे। अगला स्टेप शिक्षण के दौरान, डे फर्स्ट, 25 मिनट। समय होगा आकलन का तरीका अवलोकन। पहले दिन हम बच्चों को बीजीय व्यंजक में संख्या का गुणा करना सिखाएंगे। प्रश्न, 3x की पावर 2 को 5xy से गुणा कीजिए। बच्चों को ये गुणा करके दिखाएंगे ब्लैक बोर्ड पर। एक क्वेश्चन और है, 4x गुना -7x का मान बताइए। पहले दिन हम बच्चों को इसी प्रकार के क्वेश्चन हल कराएंगे। इस तरह से हमारा एक दिन पूरा हो जाएगा। अब आता है डे 2, एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा। प्रश्न, 5xy और 3x की पावर 2 प्लस xy का गुणा कीजिए। यहाँ पर बच्चों को ये गुणा करके दिखाएंगे और उन्हें इसी प्रकार के कुछ अन्य क्वेश्चन भी करा सकते हैं। अगला स्टेप शिक्षण के बाद में, समय 10 मिनट और आकलन का तरीका सहभागिता। पहले 5 मिनट में पाठ्य पुस्तक का एक क्वेश्चन कक्षा को 3 समूह में विभाजित करके बच्चों से हल कराया जाएगा। समय 5 मिनट गृह कार्य हेतु, बच्चों गृह कार्य देंगे। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना, यहाँ पर आपको अपनी आगामी कार्य योजना का वर्णन करना है।